हेलो बेटा। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 2 है, और टॉपिक जो है हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स के बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस, तो फिजिक्स के बारे में हमने डिस्कस ये किया था कि फिजिक्स जो है हमारे पास, जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या है, हमारे पास नेचर। तो हमारे पास सिंपल हम ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज ए फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। या इन अदर वर्ड हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास या तो स्टडी ऑफ नेचर कहें या स्टडी या इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसे भी कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये हमारे पास क्या है, ये फिजिक्स जो क्या है, इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है विच डील्स, किससे सारा डील करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसके साथ स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी। इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैटर एंड एनर्जी। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिक्स कहा जाता है। मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। तो इसी चीज़ को हम फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स, तो हमने डिस्कस की कि मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है, तो उसको तो हम फिजिक कहते हैं। अब हमारे पास फिजिक्स को फर्दर हमने क्लासीफाई किया, इस इंटरेक्शन को हमने डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर हमने डिवाइड किया है। तो इस डिसिप्लिन के अंदर डिवाइड करने, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने जिसको डिसिप्लिन के अंदर डिवाइड किया है, जैसे कि हमारे पास जो ब्रांचेज है जिसमें हमारे पास ये आ जाती है कि फर्स्ट जो हम बात करेंगे मैकेनिक के बारे में, जिसमें न्यूटन एंड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं इसको, न्यूटन एंड मैकेनिक या मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कहते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी हरकत करती है उनकी बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ, ये बेसिक क्या है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जब किसी चीज की हम स्टडी करते हैं रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इज कॉल्ड ए मैकेनिक्स, उसको हम मैकेनिक्स कंसीडर करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स जो होता है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैकेनिक्स कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, फॉर सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, जस्ट लाइक ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये बॉडी जो है हरकत में आएगी। जैसे फॉर सपोज यहाँ से मैंने इसको फोर्स अप्लाई की बॉडी को इधर से, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगी कि बॉडी हरकत में आएगी। तो मतलब विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, सिंपल हम क्या कहते हैं, जब बॉडी कोई सिंपल हरकत कर रही है, तो हरकत की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि एक विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। हम ये नहीं जानेंगे कि उसके काज ऑफ मोशन क्या है, सिर्फ हम उसकी हरकत की स्टडी करेंगे, उसकी पोजिशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इन चीज़ों के बारे में, जिसको कहते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स मतलब हमने कितनी उसके ऊपर फोर्स लगाई कि वो बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, हरकत कर रही है। तो इस चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। और मैकेनिक्स को सिंपल हम दो के हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से बेटा, मैकेनिक को डिवाइड किया था काइनेमेटिक के अंदर। मैकेनिक के दो हमारे पास ब्रांचेज है, जिसमें हमारे पास एक क्या आती है, काइनेमेटिक्स, और इसी का हम सेकेंड चैप्टर जो हमारा काइनेमेटिक के ऊपर है, काइनेमेटिक में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी जो हरकत कर रही है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं होगा फोर्स को, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम जिस किसी चीज की स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स,
तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी किसमें की जाती है हमारे पास काइनेमेटिक्स में, कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज नोन एज काइनेमेटिक कहा जाता है। तो काइनेमेटिक के अंदर हम जो स्टडी कहते हैं किसकी स्टडी कहते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी की जाती है। तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, काइनेमेटिक कंसीडर किया जाता है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मतलब बॉडी हरकत कर रही है, हरकत के बारे में स्टडी करेंगे हम, ये नहीं जानेंगे व्हाट आर द काज ऑफ दैट मोशन, उस बॉडी की मोशन होने के रीजंस क्या है उसके बारे में हम नहीं, हमने इसमें काइनेमेटिक हम ये फाइंड करते हैं उसकी पोजिशन क्या है, उसकी कितनी वेलोसिटी है, तो मीन हरकत के जो भी पैरामीटर होंगे, मोशन के जो भी पैरामीटर होंगे, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक। और दूसरा हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, जो इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं हमारे पास कहा जाता है, दैट इज नोन द डायनामिक। डायनामिक के अंदर हम जो स्टडी करते हैं, डायनामिक के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं व्हाट आर द काज ऑफ दैट मोशन, मीन्स विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स हम स्टडी करते हैं। जब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स की जाए, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी करें, विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स जब स्टडी की जाए तो उसकी स्टडी को हम किसमें कहते हैं बेटा, उसके लिए हम प्रिफेयर करते हैं किसको, डायनामिक को प्रिफेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक मैकेनिक के बारे में, मैकेनिक मतलब हरकत के बारे में स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या है उनके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इस मैकेनिक को ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी दो पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स है दूसरा है डायनामिक। तो चैप्टर नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक के ऊपर होगा, और चैप्टर नंबर 3 जो है इस बुक का जो है 9th क्लास के वो आपके पास है डायनामिक के ऊपर। तो उसमें हम एक में डिस्कस करेंगे मोशन के पैरामीटर और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द काज ऑफ दैट मोशन, उस मोशन के रीजंस क्या है, तो उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अभी डिस्कस की मैकेनिक के बारे में, मैकेनिक के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं आपके बुक में जैसे तरतीब वाइज थर्मोडायनामिक है। तो थर्मोडायनामिक के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। थर्मोडायनामिक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, हीट की वजह से जो चेंज आती है, जो हीट की वजह से आपके पास, तो हमारे पास ये जो ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसे कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की विच डील्स विथ, किससे साथ डील करती है, विच डील्स विथ स्टडी, विथ द स्टडी ऑफ, विथ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी की जाती है बेटा, स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, टेम्परेचर एंड देयर, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन, एंड देयर रिलेशन, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसके बारे में, एंड देयर रिलेशन के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंड देयर रिलेशन, एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। तो इसके रिलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनामिक कहते हैं। तो थर्मो मतलब हीट है, सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास थर्मो मतलब क्या है, हमारे पास हीट है। तो हीट जो आपके पास क्या होती है, डायनामिक मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, किसी और फॉर्म में चेंज होना। तो हीट की वजह से जो आपकी वर्किंग होती है, तो हीट बेसिकली क्या है हमारे पास, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बेटा, हीट को अगर डिफाइन करें, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जब भी ट्रांसफर होती है, जब हमारे पास दो बॉडी के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर हमें क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर इंडिकेट करता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है, तो उसको हम किसको यूज करते हैं, टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर।
तो ये हमारे पास ये हीट और टेम्परेचर के इनके रिलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनामिक कहा जाता है। मतलब हीट की वजह से जो आपके पास स्टडी की, हीट की वजह से कोई वर्क डन हो रहा है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास ब्रांच है कौन सी बेटा, थर्मोडायनामिक। तो ये मतलब जो हीट की वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होना, हीट किसी और फॉर्म में आपके पास चेंज हो, ठीक है, तो उसकी स्टडी को हम किस में कहते हैं, थर्मोडायनामिक के अंदर स्टडी की जाती है। उसके बाद हमारे पास है दूसरी जो ब्रांच है जिसको हम कहते हैं बेटा कौन सी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक और ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारे पास स्टडी की जाती है सिंपल, लेकिन द स्टडी ऑफ, ये भी ब्रांच है फिजिक्स की। तो आप इसमें स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किससे सा रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल एंटिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज जो होगी हमारे पास या तो रेस्ट में हो, चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो, या फिर रेस्ट और इन मोशन, या फिर हरकत हो कर रही हो चार्ज, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन। मतलब जो बार चार्ज है या तो रेस्ट में हो, या फिर हमारे पास क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्ज। और ये भी याद रखें जब चार्ज रेस्ट में होती है तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हेन चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी जो पार्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हमारे पास स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, और जब हमारे पास हुई चार्ज क्या मोशन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डायनामिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रो डायनामिक। द स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ, द स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, हरकत में होने की वजह से, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोडायनामिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने डिस्कस किया। जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में स्टडी करेंगे, जब चार्ज हमारे मोशन में होगी तो इलेक्ट्रो डायनामिक के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरी हमारे पास ब्रांच है मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म जो है उस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके पोल कौन से होते हैं, जैसे दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो हम इसे एक सिंपल ऐसे कहते हैं द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो दूसरी हमारे पास ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स है, क्या बेटा, एटॉमिक फिजिक्स। तो हम उसके अंदर स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड विद द एटम, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन क्या है उसकी, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो इससे रिलेटेड जो स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल ब्रांचेस थी जो हमने अभी डिस्कस की। तो एटम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उनकी स्टडी जो की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें एटम क्या होता है, किसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐसे कंसीडर करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में हम कह रहे थे, डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको। तो एटॉमिक फिजिक्स, तो हमारे पास क्या है, एटम है, जस्ट लाइक ये हमारे पास सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। इन ऑर्बिट में हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन,
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है न्यूट्रॉन। तो ये जो दोनों पार्टिकल हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर लाए करते हैं, और न्यूक्लियस वार डिस्कवर किसने किया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने डिस्कवर किया बेटा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज आर ऑर्बिटिंग अराउंड द ऑर्बिट, करते हैं शेल के अंदर ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। तो ये अब जो फंडामेंटल हम स्ट्रक्चर जो स्टडी करते हैं, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है बेटा हमारे पास, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन जो क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन को डिस्कवर किया है गोल्डस्टाइन ने, किसने डिस्कवर किया है, गोल्डस्टाइन। तो ये हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर है, दैट मतलब एटम से रिलेटेड उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हर एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट एटमों से बने होते हैं मटेरियल। तो उन स्टडी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स अगर न्यूक्लियस की हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, विद इन द न्यूक्लियस, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस फिजिक्स। न्यूक्लियस फिजिक्स जो न्यूक्लियस की स्टडी को हम, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बारे में, उनका बिहेवियर क्या है, तो उसके बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर फिजिक कंसीडर किया जाता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है हमारे पास, बिहेवियर, और उसके साथ क्या है, एन इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम की जो न्यूक्लियस है, बहुत सारी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, सारी न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास नियर टू साइज कितनी होती है, 1 फेमटोमीटर के बराबर होती है। इसकी जो प्रीफिक्स में हम देखें ना, तो साइज हमारे पास या तो 10^-15 लिखते हैं, और यहाँ पर 1 फेमटो कंसीडर किया जाता है, क्या कंसीडर किया था, 1 फेमटो, ये हमारे पास क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो एटॉमिक, एटम की साइज होती है नियर टू 10^-10 के करीब कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये एटम की साइज है, ये क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या फिर हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रॉन है। तो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स कहा जाता है। द पार्टिकल फिजिक्स अनदर नेम इज हाई एनर्जी फिजिक्स कहा जाता है, या इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एटम, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल है उनका रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल या इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स। तो इसको इन अदर वर्ड हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहा जाता है, हाई एनर्जी फिजिक्स पे कहा जाता है, क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए पार्टिकल को हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ ब्रांचेस आज हमने डिस्कस की है, तो इन ब्रांचेस को आप स्टडी करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो की अपडेट हासिल कर सकें। और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था, और इसका जो जो डिफरेंट ब्रांचेज जो रह चुकी हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, एंड थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री।